मुद्दा चल रहा है कि पीके आर्यन जी धोड़ी चटना गाने के राइटर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसका जिम्मेदार हम लोगों को करार दिया गया है कि हम लोगों के इंटरव्यू के वजह से वो ऐसे हुए हैं। तो एक बात आप लोग बताइए, 500 लोग जुड़े हैं, एक बात बताइए कि आप कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके परमिशन से हम लोग इंटरव्यू नहीं करते? क्या कलाकार खुद नहीं बुलाता कि आइए ना मैम इंटरव्यू कीजिए? क्या मुझे राह चलते लोग देखते हैं जो इंडस्ट्री के होते हैं, अरे मैम कभी मेरा भी इंटरव्यू कीजिए नहीं बोलते हैं? आज वो उस हालत में पहुंच गए तो हम लोग को जिम्मेदार दे रहे हैं? अरे वो आदमी तो कुछ अभी बोले भी नहीं है यार, वो बोलने के कंडीशन में नहीं है, भगवान करे कि वो जल्द ठीक हो जाए, जल्द ठीक हो अपना बयान दे। मैं भी उनका बयान सुनने के लिए बेचैन हूँ कि वो क्या बोलेंगे मीडिया में या फिर क्या बोलेंगे थाने में। आप लोग FIR की बात कर रहे हैं ना, FIR करिए, अच्छी बात है करिए, इस मामले की जांच पड़ताल हो, पता तो चले कि वो क्यों उस हालत में है। अभी तुम लोग कह रहे हो कि आए मीडिया, डिग्री मांगेंगे, लाइसेंस मांगेंगे, अरे तुम लोग इसी बिना डिग्री लाइसेंस वाले चैनलों को बुला बुला के इंटरव्यू अभी भी कर रहे हो, अपना थोबड़ा चमका रहे हो। कोई इंसान वेंटिलेटर पे और तुम लोग को TRP की पड़ी है, न्यूज करवा रहे हो? इतना हमदर्दी है तुम लोग को पीके आर्यन से? तो मत बोलो अभी, उस आदमी को ठीक होने दो, वो खुद बोलेंगे। क्या सवाल कर दिए भाई, मैं लड़की हूं, अगर आपने गाना गाया, आपने, मैं पीके आर्यन को जानती तक नहीं, पूछना जरा वो ठीक हो जाए ना। तो ज्योति चौहान आपको जानती थी? आप कभी मिले थे ज्योति चौहान से उससे पहले कि मेरे चैनल का नाम लिया गया है? अरे क्या मैंने पूछा इंटरव्यू में? अगर मैंने कुछ गलत पूछा है ना, जिन्होंने गलत पूछा था उन्होंने वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया, जिन्होंने गलत पूछा था उन्होंने थंबल चेंज कर दिया। जाके देखो मेरा इंटरव्यू वैसे ही पड़ा है, मैंने कोई इंटरव्यू डिलीट नहीं किया। और हाँ, रही बात बेहुदा शब्द की, लोग कह रहे हैं कि तुमने बेहुदा शब्द कहा था, अरे गंवारो, बेहुदा शब्द का मतलब होता है बेशरम। अगर वो बेहुदा शब्द उनको उस समय बुरा लगा था तो वो मुझे बोलते फोन करके कि डिस्को मैम डिस्को काट दीजिएगा या इंटरव्यू मत चढ़ाइएगा। मैं